यूके वॉरियर्स के टिकटॉक अकाउंट से अर्निंग बहुत आसान है। 10K फॉलोअर्स और 1,00,000 व्यूज कंप्लीट करना वो भी एक मंथ में इंडिया ही इजी टास्क है। बट आपके अकाउंट का फ्रीज हो जाना मीन जीरो व्यूज प्रॉब्लम, आप खुद क्रिएट करते हो। 4 मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो आज इनका हल बताऊंगा, बट कीप इन माइंड मैं आप लोगों को किसी भी पेक वेबसाइट या ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, जो टिकटॉक का सिस्टम कहता है वही बताऊंगा। सो लेट्स गो। मिस्टेक नंबर 1, आप स्क्रॉलिंग करते हो और स्क्रॉलिंग के दौरान आपके सामने फनी वीडियो आती है, आप लाइक कमेंट और फॉलो कर देते हो। इसी तरह फुटबॉल की वीडियो आती है, आप लाइक कमेंट और फॉलो कर देते हो। मोटिवेशनल वीडियो सामने आती है, आप लाइक कमेंट और फॉलो कर देते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। भाई ऐसा मत करे, टिकटॉक के पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, स्पोर्ट्स, फनी, म्यूजिक वगैरह। टिकटॉक ऐसा कभी नहीं करता है कि वो आपकी स्पोर्ट्स वीडियो हो वो फनी वीडियो में सेंड करे, आपकी मोटिवेशनल वीडियो हो वो स्पोर्ट्स में सेंड करे। उनके पास अपने कैटेगरीज होते हैं। अब सही तरीका क्या है, देखिए आपका अकाउंट जिस कैटेगरी का है, आपका अकाउंट स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, आपका अकाउंट मोटिवेशनल कैटेगरी का है, आपका अकाउंट म्यूजिक कैटेगरी का है, जिस भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट गेमिंग कैटेगरी का है, आपने सिर्फ गेमिंग की वीडियोस को लाइक कमेंट और फेवरेट्स करने हैं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के अकाउंटों को फॉलो करना है और किसी भी अकाउंट को फॉलो नहीं करना है, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आप लोग इस तरह करें, देखें फिर आपका अकाउंट किस तरह वायरल नहीं होता है। सेकेंड मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो वो ये है कि वीडियो अपलोड करते ही आप लोग बार बार अपने अकाउंट को ओपन कर देते हो, बार बार अपने वीडियो पर क्लिक कर देते हो, अपने वीडियो पर कमेंट और लाइक कर देते हो। भाई ऐसा मत करे, टिकटॉक के सिस्टम को कमांड जाता है कि एक ही आईपी एड्रेस से बार बार क्लिक्स और व्यूज आते हैं, ये फिर इनवैलिड ट्रैफिक में काउंट हो जाता है। सिस्टम बहुत फास्ट है, फिर वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। स्टेक नंबर 3 ये है कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट को और टिकटॉक ऐप को फ्रेश नहीं कर देते हो। आप अकाउंट और ऐप को किस तरह फ्रेश कर देते हैं आइए बताता हूँ। ये 3 तरीकों से आप लोग कर सकते हो। कभी भी टिकटॉक एपीके फाइल यूज ना करें, बल्कि ओरिजिनल टिकटॉक ऐप यूज करें। चाहे आपका यूएसए टिकटॉक अकाउंट हो या यूके टिकटॉक अकाउंट हो, आप लोगों ने ओरिजिनल टिकटॉक ऐप यूज करना है, क्योंकि ओरिजिनल टिकटॉक ऐप अपडेट हो सकता है, जबकि एपीके फाइल मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए होते हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और अपडेट नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने अपने ओरिजिनल ऐप को इंस्टॉल करना है और बार बार अपडेट करना है, इसे आपका ऐप जो है वो फ्रेश हो जाता है। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने अकाउंट को फ्रेश करना। अकाउंट को फ्रेश करने के लिए आप लोगों ने फोन के सेटिंग में जाना है, वहां पर एप्स ढूंढे, एप्स में फिर टिकटॉक ऐप ढूंढे, उस पर क्लिक करे। उस पर क्लिक कर देने के बाद स्टोरेज आ जाएगा, उस पर क्लिक करे। स्टोरेज पर क्लिक कर देने के बाद फिर टिकटॉक का डेटा और कैचेस क्लियर करें, इससे आपका अकाउंट फ्रेश हो जाता है। तीसरा तरीका यह है, अकाउंट को फ्रेश करने के लिए आप लोगों ने अकाउंट के सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, फिर नीचे देखे टर्म एंड पॉलिसी में जाना है, उस पर क्लिक करें, उसके बाद टर्म एंड सर्विसेज, उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन योर अकाउंट विद अस पर क्लिक करें, फिर नीचे देखे आप लोगों को एक लिंक नजर आया होगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक कर देने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा। हर हफ्ते आप लोगों ने यहाँ पर टिकटॉक को रिपोर्ट सेंड करना है, ताकि टिकटॉक हर वीक जो है आपके अकाउंट का विजिट करें, ताकि आपका अकाउंट टिकटॉक के सिस्टम से लटका रहे। नंबर 4 मिस्टेक वीडियो का है। वीडियो इंटरेस्टेड होना चाहिए, वीडियो में हुक होना चाहिए और सही टाइम पे अपलोड होना चाहिए। अगर किसी ने आपकी वीडियो को अपलोडिंग के बाद 10 मिनट में वॉच नहीं किया तो आपका वीडियो फ्रीज हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका इंग्लिश कंटेंट है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आपने दिन 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के दरमियान वीडियो अपलोड करना है। अगर आपका उर्दू कंटेंट है तो आपने शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि इसी टाइम लोग इंटरनेट पे एक्टिव होते हैं, तो आपने सही टाइम पे वीडियो अपलोड करना है, फिर देखिए आपकी वीडियो कैसे वायरल नहीं होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ 10 दिन इस पर काम करें, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जल्दी वायरल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक खूबसूरत कमेंट भी छोड़ दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।